सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आयुर्वेदिक हर्ब को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको आयुर्वेदिक टिप्स सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, इसी मोटो के साथ मैं आरके राय आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक हर्ब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप अपने चेहरे को चमकदार कैसे बनाएं, वो भी घरेलू हर्ब के द्वारा। दोस्तों, स्किन की ग्लोइंग के कुछ आसान टिप्स मैं आपको आज बताऊंगा, जो उस टिप्स के थ्रू आप अपने चेहरे स्किन की ग्लोइंग को बरकरार रख सकते हैं। आप स्वतः घर पर बड़ी आसानी से ये लेप तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं चमकते चेहरे के लिए कुछ घरेलू टिप्स। नंबर एक, भुनी हुई मसूर की दाल लीजिए थोड़ी सी, थोड़ा सा संतरे के छिलके को दूध में मिलाकर और उसमें कुछ बूंद गुलाब का जल मिलाकर लगाने से चेहरा ग्लो करता है। नंबर दो, ड्राई स्किन वालों के लिए दूध में चंदन का पाउडर मिलाकर लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद धो लें, या हफ्ते में 2-3 बार करें, इससे आपका चेहरा ग्लो होगा। तीसरा है, मुल्तानी मिट्टी में जैतून का तेल और गुलाब का जल दोनों मिला करके अपने चेहरे पे लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद सूखने के बाद उसको पानी से धो लीजिए, इससे भी आपके चेहरे में निखार आएगा। चौथा है, पपीते के छिलके को सुखा कर पीस लें और उसमें ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर धीरे धीरे रब करें, इससे हल्के फुल्के दाग तो समाप्त हो ही जाएंगे और साथ ही स्किन चमक जाएगी। अगला है, तुलसी की पत्ती, पुदीने की पत्ती दोनों बराबर मात्रा में पीस कर इसका पेस्ट घर पर बनाकर चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे की ठंडक बरकरार रहती है और चेहरे की ड्राई स्किन हटती है और इसमें बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है स्किन और चेहरे में चमक आती है। तो दोस्तों, एक छोटी सी टिप्स आपको आज हमारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।